बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। फूड कोर्ट चैनल में खुश आमदीद। आज मैं बनाने जा रही हूँ एग कोरमा। एग कोरमा बनाने के लिए 5 अदद मैंने अंडे लिए, इनको मैंने अच्छे से उबाल लिया है। आधा कप दही लिया है, 1 टेबल स्पून भर के अदरक लहसुन का पेस्ट लिया है, 1 टेबल स्पून सफ़ेद ज़ीरा लिया है, 3 तेज़पात हैं साबुत गर्म मसाले में, 3 तेज़पात, 3-4 दालचीनी के टुकड़े हैं, 2 बादियान के फूल हैं। ये मैंने काजू का पेस्ट बना लिया है, 10-15 काजू थे मेरे पास, उसका मैंने पेस्ट तैयार कर लिया है। ब्राउन प्याज है, 1 टीस्पून भर के पिसा हुआ धनिया है, 1.5 टीस्पून पिसी हुई लाल मिर्च, 1/2 टीस्पून नमक, 1/2 टीस्पून हल्दी और हसबे ज़रूरत ऑयल। चले एग कोरमा बनाना शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ लगे बेल आइकॉन को दबाएं ताकि आपको हमारी नई आने वाली वीडियो टाइम पर मिल सके। सबसे पहले यहाँ पे मैं अंडों के ऊपर फोक की मदद से सुराख कर लूँगी ताकि मसाला इनमें अच्छे से चला जाए। सारे अंडों में मैंने अच्छे से सुराख कर लिए। अब हम एग कोरमा बनाना शुरू करते हैं। कढ़ाई को मैंने गर्म होने के लिए रख दिया है। ऑयल शामिल करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ½ टीस्पून के करीब मैंने ऑयल शामिल किया है। ऑयल हमारा गर्म हो गया। अब मैं इसमें शामिल कर रही हूँ लाल मिर्च 1 पिंच, हल्दी 1 पिंच, पिसा हुआ धनिया ये भी 1 पिंच के करीब है। मिक्स करेंगे। अब इस मसाले में मैं अंडे शामिल कर रही हूँ। अंडों को हम गोल्डन होने तक फ्राई करेंगे। अंडों को फ्राई होते हुए 1 मिनट हो गया है, अब मैं इन्हें निकालूंगी। इसी पैन में मैं और तेल शामिल करूंगी। ऑयल हमारा गर्म हो गया, अब इसमें सफेद ज़ीरा शामिल कर रही हूँ 1 टेबल स्पून। तेज पात, दालचीनी के टुकड़े और 2 बादियान के फोड़ दिए मैं इसमें शामिल कर रही हूँ। हल्का सा इनको रोस्ट करेंगे। गरम मसाला हमारा रोस्ट हो गया, अब मैं इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल कर रही हूँ। अदरक लहसुन का पेस्ट हमारा भुन गया है। अब मैं इसमें जो ब्राउन प्याज और काजू थे उनका मैंने पेस्ट तैयार कर लिया है, वो मैं इसमें शामिल कर रही हूँ। थोड़ा सा पानी शामिल करेंगे। पानी शामिल करने के बाद अगर इसमें बाकी की स्पाइसेस में शामिल कर रही हूँ लाल मिर्च 1/2 टेबल स्पून, थोड़ी सी मैंने पहले शामिल कर ली थी अंडों के साथ, नमक हसबे ज़रूरत, धनिया पाउडर। अब मैं इसमें आधा कप दही शामिल कर रही हूँ, इसमें मैंने अच्छे से फेंट लिया। दही शामिल करने के बाद इसे इतना भूनेंगे ताकि दही का पानी ड्राई हो जाए। दही
दही का पानी यहाँ पे खुश्क हो गया है। अब इसमें मैं ये फ्राई एग शामिल करूँगी। एग शामिल करने के बाद इसे मज़ीद 5 मिनट तक भूनेंगे। अंडे डाल के भूनते हुए 5 मिनट हो गए। मैं इसे ग्रेवी के लिए 1 कप के करीब पानी शामिल करूंगी। एग कोरमा हमारा बिल्कुल तैयार है। अब मैं इसमें हरी मिर्च शामिल करूंगी। एग कोरमा हमारा तैयार है। मैं इसे सर्विंग प्लेट में निकाल के दिखाती हूँ। एग कोरमा हमारा तैयार है। ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, बेल आइकॉन को प्रेस करें ताकि मज़ीद वीडियो आप तक पहुंच सके। अल्लाह हाफिज़।